अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्तरखान। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कटलेट, इसे हम आपको आसान तरीके से बनाना बताएंगे। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर हमने 2 चम्मच तेल शामिल किया है। इसके अंदर हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल किया है। इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च की बुकी ली है, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी का पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया का पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने चिकन मसाला पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है और हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि सारे अच्छे से चिकन में पक जाए। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला के इसे ढक के रख देंगे गलने के लिए। जब मसाले भून जाए और तेल छोड़ दें, अब हम इसके अंदर सब्जी शामिल करेंगे। इसमें हमने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और फ्रेंच बीन ली है। हमने इसमें 1 शिमला मिर्च, थोड़ी सी पत्ता गोभी, थोड़ी सी फ्रेंच बीन, 4-5 हमने हरी मिर्च और 1 प्याज को शामिल किया है बारीक कट करके। इन सारी चीजों को चिकन में हम डाल के अच्छे से गलने के लिए रख देंगे। अगर देखें आपके चिकन आपका नहीं गला हो तो आप थोड़ा सा पानी और डाल के इसे ढक के गलने के लिए रख दें। यह हमने 2 आलू को बॉईल करके भी शामिल कर दिया है। इसी में हम सारी चीजों को अच्छे से मैश कर लेंगे। चिकन को आप हाथ से रेशा कर लें या आप चम्मच की मदद से या मैशर की मदद से, सब चीजों को आप अच्छे से एक साथ मिला लें और आप नमक चख लें। आपको इसमें कितना नमक चाहिए टेस्ट के हिसाब से अच्छे से इसमें नमक आप मिला के थोड़ा टाइम के लिए रख दें। जब आपका बैटर ठंडा हो जाए तब हम इसको कैटलेस का शेप देंगे। आप चाहे तो इसे गोल, चाहे लंबा, आप जैसा चाहे वैसा इसका शेप बना सकते हैं। ये देखिए हमारा बैटर ठंडा हो गया था और हमने इसको सारी कैटलेस के शेप में बना लिया है। हमने इसे लंबे शेप में बनाया है। आपको गोल चाहिए तो आप बना सकते हैं। ये हमने 2 अंडे को लेके इसे फेंट लिया है और हमने मोटी सेवई मार्केट में मिलती है उसे ले लिया है। ये हमने कैटलेस के पीस को अंडे में डिप करके सेवई में डिप कर लेंगे और हाथ से अच्छे से कैटलिस को दबा दें सेवई पे। सेवई अच्छे से उस पर लगा लें। आपको ब्रेड क्रम्स वाला भी बना के दिखाएंगे। ये हमने कैटलिस की पीस को पहले अंडे में डिप कर लिया है, अब ब्रेड क्रम्स में हम अच्छे से इसको हाथों से दबाते हुए कैटलिस की पीस पे अच्छे से लगा देंगे ब्रेड क्रम्स को और सेवई को। ये देखिए हम दोनों भी आपको तल के दिखाएंगे। फ्राई पैन पे हमने कैटलेस को डाल दिया है, इसे हम तल के निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन हो गया है, यानी हमारी कैटलेस बनके तैयार हो गई है। इसे आप निकाल लें। तेल जब गर्म हो तभी आप कैटलेस को डालें। अंदर से हमारी सब्जी पकी हुई है, चिकन पका हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ ऊपर से गोल्डन करना है। इसे आप मीडियम आंच पे पका के निकाल लें। उलट पलट करते हुए ये देखिए हमारी दोनों भी कैटलेस बनके तैयार हो गई है, सेवई वाली भी, ब्रेड क्रम्स की भी। ये बहुत ही मजे की, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। इस तरीके से आप बनाएं और हमें बताएं कि आपकी कैटलेस कैसे बनी। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये 2 महीने तक के चल सकती है। आप फ्रीजर में इसे सेवई और ब्रेड क्रम्स लगा के रख दें। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और तुरंत नाश्ते में भी निकाल सकते हैं।